बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉल की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम फंक्शंस में पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट से क्या मुराद है, इसकी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप फंक्शन की डेफिनेशन पहले भी देख चुके हैं कि अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टेक्स इनपुट, परफॉर्म सम कंप्यूटेशन एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट। यानी दोस्तों, फंक्शन क्या है? एक ब्लॉक ऑफ कोड जिसके जरिए आप कोई टास्क परफॉर्म करवा रहे होते हैं, लेकिन उस टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए फंक्शन को कुछ वैल्यूज इनपुट दी जाती है और उन वैल्यूज पर ही फंक्शन कंप्यूटेशन परफॉर्म करता है। तो दोस्तों, दरअसल यही इनपुट वैल्यूज पैरामीटर या फिर आर्ग्यूमेंट कहलाती है, और ये पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट आप फंक्शन को कॉल करते वक्त फंक्शन को प्रोवाइड करते हैं। और दोस्तों, इसको प्रोवाइड करने का तरीका ये है कि जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो पैरेंथेसिस के इन पेयर्स के दरमियान आप पैरामीटर को लिख देते हैं इस तरह से। दोस्तों, यहाँ एड फंक्शन नेम है, जबकि पैरेंथेसिस में वो डेटा है जो कि आप एज अ पैरामीटर सेंड करना चाहते हैं फंक्शन को। और जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक पैरामीटर या फिर आर्ग्यूमेंट को इन पैरेंथेसिस के दरमियान लिखें, बल्कि आप मल्टीपल पैरामीटर्स को एक साथ भी लिख सकते हैं इस तरीके से। और दोस्तों, अगर आप फंक्शन में कोई पैरामीटर पास नहीं करवाना चाह रहा है तो फिर आप इन पैरेंथेसिस के दरमियान भी कुछ भी नहीं लिखेंगे। यानी इससे हमें ये पता चला कि एक फंक्शन जो है उसके अंदर आप सिंगल पैरामीटर भी लिख सकते हैं, मल्टीपल पैरामीटर्स भी लिख सकते हैं, और आप अपने प्रोग्राम की मुनासबत से अगर चाहें तो कोई पैरामीटर भी नहीं लिख सकते। लेकिन दोस्तों, फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट में, क्योंकि आप तमाम पैरामीटर्स जो है वो फंक्शन को कॉल करते वक्त भी लिखते हैं, तो फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट में आपको कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है, जिनमें सबसे पहली बात ये है कि द डेटा टाइप ऑफ ऑल द पैरामीटर्स इन द फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन शुड बी सेम इन द फंक्शन कॉल। यानी अगर आपने फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन में तीन पैरामीटर्स लिखे हैं जिनकी डेटा टाइप इंटीजर है, तो फंक्शन कॉल करते वक्त आप जो वैल्यूज या वेरिएबल एज अ पैरामीटर पास करवाएंगे वो भी इंटीजर टाइप ही होने चाहिए। यानी फंक्शन डिक्लेरेशन और डेफिनेशन के अंदर जो भी पैरामीटर्स की डेटा टाइप होगी, सेम डेटा टाइप आप फंक्शन को कॉल करते वक्त भी उन पैरामीटर्स की रखेंगे। इसके बाद जो दूसरी चीज है वो है द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन द फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन शुड बी सेम इन फंक्शन कॉल। यानी अगर आपने फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन में तीन पैरामीटर्स दिए हैं, तो अब उस फंक्शन को कॉल करते वक्त भी आपको तीन पैरामीटर्स ही लिखने होंगे। ना आप तीन से ज्यादा पैरामीटर्स लिख सकते हैं और ना ही आप तीन से कम पैरामीटर्स लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपने पैरामीटर लिखे हैं 1, 2, 3। अब अगर आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और कॉल करते वक्त आप यहाँ पर एक पैरामीटर को मिस कर देते हैं, तो फिर आपका कंपाइलर एरर जनरेट करेगा, क्योंकि फंक्शन को कॉल करते वक्त पैरामीटर्स की तादाद भी उतनी ही होनी चाहिए जो आपने फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन करते वक्त दी थी। और तीसरी बात दोस्तों, द अरेंजमेंट ऑफ पैरामीटर्स इन द फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डेफिनेशन शुड बी सेम इन द फंक्शन कॉल। यानी दोस्तों, नंबर ऑफ पैरामीटर्स और टाइप के साथ साथ पैरामीटर्स की अरेंजमेंट, उनकी तरतीब जो फंक्शन डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में होगी, बिल्कुल वैसी ही तरतीब आपको पैरामीटर्स को फंक्शन को कॉल करते वक्त भी देना होगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक फंक्शन है जो कि हमने डिक्लेयर किया है, और आप जानते हैं कि फंक्शन डिक्लेरेशन में आप पैरामीटर्स की सिर्फ और सिर्फ डेटा टाइप भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमने इसी फंक्शन को डिफाइन किया है, लेकिन डिफाइन करते वक्त यहाँ हमने पैरामीटर्स की डेटा टाइप के साथ साथ पैरामीटर्स का नेम भी लिखा है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। और अब जब हम इस ऐड के फंक्शन को कॉल करेंगे मेन के फंक्शन के अंदर, तो जो पैरामीटर्स हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे उनकी तरतीब भी सेम होगी दोस्तों, क्योंकि पहले यहाँ पर हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है, इंटीजर टाइप का पैरामीटर लिया है। तो अब हम इसको कॉल करते वक्त, इस फंक्शन को कॉल करते वक्त जो पहली वैल्यू देंगे वो वैल्यू भी इंटीजर टाइप ही होनी चाहिए। इसी तरीके से हमने जो दूसरा पैरामीटर लिया है वो फ्लोट टाइप का है,
तो अब इस फंक्शन को कॉल करते वक्त जो हम दूसरी वैल्यू देंगे वो वैल्यू भी फ्लोट टाइप होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 2.5 पहले लिख दें और 7 बाद में। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। यानी दोस्तों हमें ये पता लगा कि जो पैरामीटर्स की टाइप, उनकी अरेंजमेंट और तादाद आपने फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन करते वक्त दी थी, सेम आप फंक्शन को कॉल करते वक्त भी देंगे। अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपको ये तो समझ आ गया कि पैरामीटर होता क्या है, आप इसको किस तरह से फंक्शन को कॉल करते वक्त यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक कंफ्यूजन सबको होती है, वो ये कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड आर्गुमेंट। क्योंकि दोस्तों कुछ बुक्स में ये लिखा होता है पासिंग आर्गुमेंट टू अ फंक्शन, कुछ बुक्स में लिखा होता है पासिंग पैरामीटर टू अ फंक्शन। तो पैरामीटर और आर्गुमेंट के दरमियान फर्क क्या है? तो याद रखिए दोस्तों, पैरामीटर वो वेरिएबल है जो आप फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन करते वक्त देंगे, जबकि आर्गुमेंट वो एक्चुअल वैल्यूज होती हैं जो कि आप फंक्शन को कॉल करते वक्त उस कॉलिंग स्टेटमेंट में लिखते हैं। इसीलिए पैरामीटर्स को फॉर्मल पैरामीटर भी कहा जाता है, जबकि आर्गुमेंट को एक्चुअल पैरामीटर भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर ये एक प्रोग्राम है जिसमें हमने एक फंक्शन के नाम से एक फन के नाम से एक फंक्शन बनाया है। यहाँ पर हमने सबसे पहले इसको डिक्लेयर किया है, यहाँ पर हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और ये आखिर में हमने इस फंक्शन को डिफाइन किया है। अब दोस्तों यहाँ आपको ये जो फंक्शन को कॉल करते वक्त दो वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं, ये कहलाएंगे आर्गुमेंट या फिर एक्चुअल पैरामीटर्स। जबकि दोस्तों इस फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आपको ये जो दो वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं ये कहलाएंगे पैरामीटर्स या फिर फॉर्मल पैरामीटर। और याद रखिए, एक्चुअल पैरामीटर ऑलवेज पास टू अ फंक्शन, यानी जो एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं इनमें जो वैल्यूज होती हैं ये हमेशा आप फंक्शन डेफिनेशन में रखे गए वेरिएबल्स को, फंक्शन डेफिनेशन में रखे गए पैरामीटर को ये वैल्यूज पास करते हैं, जबकि फॉर्मल पैरामीटर ऑलवेज रिसीव बाय अ फंक्शन। और फॉर्मल पैरामीटर्स एक्चुअल पैरामीटर्स से आने वाली वैल्यूज को रिसीव करते हैं। जैसे दोस्तों अभी हमने ये जो प्रोग्राम देखा तो इसके अंदर हमने फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में दो वेरिएबल्स देखे हैं, नम वन और नम टू, जिनमें वैल्यूज हमने स्टोर करवाई हैं 30 और 20। और फंक्शन डेफिनेशन में हमने दो वेरिएबल्स लिखे हैं ए और बी। तो अब दरअसल यहाँ ये नम वन और नम टू वेरिएबल में रखी वैल्यूज पास हो जाएंगी इस ए और बी वेरिएबल को। नम वन की वैल्यू पास हो जाएगी ए में जो कि है 30, और नम टू की वैल्यू पास हो जाएगी बी में जो कि है 20। और यहाँ आप गौर करें तो नम वन और नम टू एक्चुअल पैरामीटर्स हैं जो कि वैल्यूज को पास करने के लिए यूज किए जाते हैं, जबकि ए और बी फॉर्मल पैरामीटर हैं जो कि वैल्यूज को रिसीव करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉलिंग स्टेटमेंट के अंदर जो भी आप पैरामीटर्स लिखेंगे वो आर्गुमेंट कहलाएंगे, क्योंकि फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन में के दौरान जो आप पैरामीटर्स लिखेंगे वो पैरामीटर कहलाएंगे, वो आर्गुमेंट नहीं कहलाएंगे। और आर्गुमेंट क्या करते हैं? ये सिंपल वैल्यूज को पास करते हैं, यानी इनके अंदर एक्चुअल वैल्यूज रखी होती हैं, तो ये इनको पास करते हैं इन फॉर्मल पैरामीटर्स को। और ये जो फॉर्मल पैरामीटर्स हैं ये इनसे आने वाली वैल्यूज को रिसीव करते हैं और अपने वेरिएबल्स के अंदर, यानी अपने पैरामीटर्स के अंदर कॉपी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अभी नम वन के अंदर वैल्यू थी 30, तो जब ये वैल्यू पास होगी इस ए को तो अब इस ए के अंदर भी वैल्यू आ जाएगी 30। इसी तरीके से नम टू के अंदर मौजूद है वैल्यू 20, तो अब ये पास कर देगा इसको इस फॉर्मल पैरामीटर बी को, और अब इसके पास इन दोनों के पास भी वही वैल्यूज है जो कि इस नम वन और नम टू के पास थी। तो यहाँ पर ये इनको माइनस करेगा और माइनस करने के बाद रिजल्ट को दोबारा से इस फन के फंक्शन के पास भेज देगा। इस तरह से दोस्तों ये पैरामीटर और आर्गुमेंट आपस में मिलकर काम करते हैं। अब आइए एक प्रोग्राम की मदद से इसका रिजल्ट देखते हैं कि किस तरह से काम कर रहा है। दोस्तों यहाँ हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर हम दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, यानी हमने दो नंबर्स के अंदर वैल्यूज लिखी हैं और उसको फंक्शन के थ्रू सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। तो दोस्तों हमने एक फंक्शन बनाया है। दोस्तों यहाँ पर हमने इस फंक्शन को सबसे पहले डिक्लेयर किया क्योंकि हम इसमें दो पैरामीटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो यहाँ पर हमने इन दोनों पैरामीटर्स की डेटा टाइप लिख दी।
उसके बाद इस फंक्शन को डिफाइन किया और डिफाइन करते वक्त आप जानते हैं कि डेटा टाइप के साथ साथ पैरामीटर्स का नेम डिफाइन करना भी जरूरी है। तो यहाँ पर हमने इन दोनों पैरामीटर्स को नेम दे दिया ए और बी। अब दोस्तों जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो इस फंक्शन को कॉल करते वक्त हमें एक्चुअल पैरामीटर्स देने हैं जिनके अंदर एक्चुअल वैल्यू स्टोर होगी। तो यहाँ पर हमने वो एक्चुअल पैरामीटर्स दे दिए हैं num1 और num2। ये num1 और num2 कहलाएंगे आर्गुमेंट जिनके अंदर ये 30 और 20 वैल्यू स्टोर है। अब दोस्तों जैसे ही आपका फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन कॉल होते ही कंट्रोल जंप कर जाएगा इस फंक्शन डेफिनेशन पर और जंप करते ही इस एक्चुअल पैरामीटर में रखी वैल्यूज को कॉपी कर देगा इनफॉर्मल पैरामीटर्स ए और बी में। अब दोस्तों जो भी इन एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू थी वो एज इट इज कॉपी हो जाएंगी, आ जाएंगी इस ए और बी में। ए में वैल्यू आ जाएगी 30 और बी के अंदर वैल्यू आ जाएगी 20। इसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया सी और इस सी के अंदर हमने कहा कि ए माइनस बी का जो रिजल्ट है वो स्टोर कर दे सी में। और सी में स्टोर करने के बाद हमने वो रिजल्ट सेंड करवा दिया, रिटर्न करवा दिया इस फंक्शन को, यानी इस कॉलिंग स्टेटमेंट को। अब दोस्तों यहाँ पर a माइनस बी का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा और अब वो रिजल्ट स्टोर हो जाएगा इस sub सबके वेरिएबल के अंदर। और अब हम जब इसको प्रिंट करवाएंगे तो आपकी सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स इज 10। यानी दोस्तों जब आप 30 को माइनस करेंगे 20 से तो ऑटोमेटिकली आप जानते हैं कि इसका रिजल्ट 10 आएगा। लेकिन यहाँ बताने का मकसद था कि पैरामीटर्स किस तरह काम करते हैं। सबसे पहले तो याद रखिए कि जो भी डेटा टाइप ऑफ द पैरामीटर, जो भी अरेंजमेंट ऑफ द पैरामीटर और जो भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स आप फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन करते वक्त देंगे वही सेम तरतीब, वही सेम नंबरिंग और वही सेम डेटा टाइप आपको फंक्शन को कॉल करते वक्त भी देनी है। और दोस्तों जो फंक्शन को आप कॉल करेंगे उस वक्त जो पैरामीटर्स हैं वो कहलाएंगे आर्गुमेंट, जबकि फंक्शन को डिफाइन करते वक्त आपने जो पैरामीटर्स लिखे होंगे वो कहलाएंगे पैरामीटर्स या फिर फॉर्मल पैरामीटर्स। और इसी चीज को कहा जाता है पासिंग आर्गुमेंट टू अ फंक्शन। यानी आप आर्गुमेंट्स, इन आर्गुमेंट्स को जब फंक्शन को पास कर रहे होते हैं तो ये पूरा मेथड जो है वो आपके इसी टॉपिक में आता है कि आप पासिंग आर्गुमेंट टू अ फंक्शन। दोस्तों यहाँ पर आपको फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स या फिर आर्गुमेंट से क्या मुराद है, वो किस तरह से यूज किए जाते हैं, आप एक फंक्शन से, फंक्शन कॉल से फंक्शन डेफिनेशन के अंदर किस तरह से आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स हमने आपसे शेयर की है। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।